नमस्कार दोस्तों, मैं धनवंत शुक्ला डीएस फिजिक्स टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज पर। तो इसमें हम लोग जो है स्टेप टू स्टेप सारी चीज़ें सीखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है और ये जो है इसका उपयोग क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग जो है थ्योरेटिकल चीज़ें देखेंगे, प्रिंसिपल, और उसके बाद में एक 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 स्टेप करके जो है हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो निश्चित तौर पर आपको ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपको अच्छे से समझ में आएगा, कभी भूलेगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारे पास ये एक व्यवस्था जो है व्हीट स्टोन ब्रिज होती है। तो पहले हम इसको समझ रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं, आप इसको मत देखिए। पहले हम एक बात करते हैं कि जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, ये क्या होता है। तो प्रतिरोध अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा लास्ट का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा प्रतिरोध क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने जो है एक चार जो है मैंने लिया है प्रतिरोधों को लिया है, चार प्रतिरोधों को लिया है, उनको हमने एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है। जो आपको ये पॉइंट दिख रहे होंगे, पॉइंट्स मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, जैसे ये है ए बी सी डी, ये पॉइंट्स हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, पहले इसके हम बेसिक पर देख लेते हैं, जैसे व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो किन्होंने भाई, उस वैज्ञानिक का नाम था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है व्हीट स्टोन ब्रिज को डिस्कवर किया था। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दैट अरेंजमेंट वी कैन फाइंड एनी कंडक्टर रेजिस्टेंस, किसी भी हम चालक का जो है प्रतिरोध फाइंड आउट कर सकते हैं, जो जिसका प्रतिरोध अननोन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें होता क्या क्या चीज़ें हैं कि हम इसमें एक चार प्रतिरोध लेते हैं और उनको सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। मैंने हमने क्या किया, चार प्रतिरोध ले लिया, चार प्रतिरोधों को देखिए, एक प्रतिरोध, दो, तीन, चार, ये चार प्रतिरोध हमने ले लिया, उनको हम सीरीज में श्रेणी क्रम में सभी को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। तो वो एक चतुर्भुज बन जाता है। देखो यहाँ पर ये कैसा क्या बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है ना, ये एक चतुर्भुज बन जाता है। और चतुर्भुज में आप जानते हो कि चार भुजाएं होती हैं, इसके अलावा दो विकर्ण होते हैं, होता है ना भैया ऐसा। तो जब इसमें दो विकर्ण होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक विकर्ण के साथ, देखिए एक विकर्ण एसी हो गया और एक विकर्ण बीडी हो गया। तो एक विकर्ण जो एसी है उसमें हमने एक जो है इसमें हमने एक जो है गैल्विनो मीटर लगा दिया है, जो करंट को मापेगा, यानी धारा को माप कर सकता है कि उसमें धारा फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको मैंने ऐसे इस व्यवस्था मतलब एसी विकर्ण के अंतर्गत हमने एक गैल्विनो मीटर लगा दिया है। फिर उसके बाद में जो है बीडी विकर्ण जो था उसको हमने ऐसे ये बाहर की तरफ करके, वैसे ही ऐसे ही समझिए कि ये जो बीडी विकर्ण है उसको उसमें मैंने एक सेल लगाया है जिसका पोटेंशियल वी है, और उसमें मैंने एक कुंजी K1 लगाई है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है CD R, और ये ऐसे कह सकते हैं AC, AC में जो है एक हमने कुंजी और लगाई है K2 कुंजी हमने लगाई है। तो इसका प्रिंसिपल पहले हम समझ लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल इसका हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये चारों A B C D, ये चार मतलब AB AB BC और CD हमारे पास चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज की चार भुजाएं हैं, और वो चारों क्या हैं, प्रतिरोध हैं, ठीक है। अब इसमें जो है मान लीजिए हम कुंजी K1 को इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इधर से करंट फ्लो होगी, कौन सी करंट फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी। तो आई करंट इधर आएगी, I1, इस पॉइंट बी पर जब आई करंट पहुंचेगी, पॉइंट बी पर जब आई करंट पहुंचेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो है आई डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांच, चूंकि दो तार है, एक ब्रांच ऊपर है ये जा रहा है और एक ये नीचे ब्रांच जा रहा है, तो दोनों तारों में इस तरह से ये बदल जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा।
आई जो है डिवाइड हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है आई वन और आई टू में। अब ये करंट जो है आई वन ऐसे जा रहा है, इधर सप्लाई हो रहा है, बट हमने अभी कुंजी के टू को प्रेस नहीं किया है, हमने कुंजी के टू को प्रेस नहीं किया, केवल के वन को प्रेस किया है। तो अब क्या होगा, आई करंट इधर से निकलेगी और ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। देखिए भैया, इधर जो है ये आई वन ए बी भुजा में जाएगा और आई टू जो है बी सी भुजा में जाएगा। ये इधर करंट फ्लो हो रहा है और ये इधर करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद में अगर ये के टू प्रेस नहीं है, मतलब के टू जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसमें करंट फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब ये आई वन जाएगा, आई वन इधर से निकल आएगा, इधर से आई टू जाएगा और आई टू इधर से निकल जाएगा, पुनः दोनों करंट मिल करके आई करंट का निर्माण कर देंगी और ये आई इधर सप्लाई हो जाएगा। ये कब होगा, जब केवल और केवल हम कुंजी के वन को प्रेस करेंगे, ठीक। उसके बाद में मान लीजिए हमने कुंजी के टू को प्रेस कर दिया, तब कुंजी के टू को अगर हम प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, अब प्रेस करने पर तो करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, निश्चित तौर पर फ्लो होने लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम ये के टू को प्रेस कर देंगे तो क्या इसमें करंट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, करंट उसमें आएगा, लेकिन हमको पी, ये हमारा जो है यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं, इनका सबका हम अलग अलग नाम दे देते हैं। हम इनको कह देते हैं ये हमारा रेजिस्टेंस है पी, और ये हमारा है क्यू, और ये है आर, और ये एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एस जो है हमने यहाँ पे इसको कह दिया है। अब अगर इस तरह से लिखते हैं, या हम इसको यहाँ पर कह दें पी और इसको क्यू कह देते हैं, ये ताकि आपका जो है जिस हिसाब से डेरिवेशन उसी हिसाब से आएगा, हालांकि आएगा इधर से भी, लेकिन समस्या ये हो जाएगी कि आपको थोड़ा अनुपात बदला हुआ नजर आएगा, पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा, ये चारों भुजाएं हमने मान ली है, ठीक है। अब उसके बाद में हमको क्या करना है कि P Q R S ये हमारे पास क्या है, चार जो है रेजिस्टेंस है, चार प्रतिरोध हैं। तो चारों प्रतिरोधों को हमें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि कुंजी के टू को दबाने के बावजूद उसमें धारा फ्लो ना करे। बात समझ में आई? बस यही समझ लीजिए, इस व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है कि हम चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि उनके एक विकर्ण में एसी में एक गैल्विनोमीटर यानी धारा मापी लगाने के बावजूद उसमें करंट फ्लो ना करे। मतलब ये जो निडिल लगी हुई है या गैल्विनोमीटर की जो निडिल है, इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो, मतलब उसमें कोई भी क्षोभ उत्पन्न ना हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि तब जो व्यवस्था बनेगी, तब जो अरेंजमेंट बनेगा कि मतलब हमने कुंजी के वन को प्रेस किया है और के टू को भी प्रेस किया है, बट एसी में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं बैलेंस, यानी संतुलित सेतु। इस व्यवस्था को संतुलित सेतु कहा जाता है। मतलब जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो बैलेंस स्टेट में होता है, यानी यहाँ पर ये संतुलित अवस्था में होता है। मतलब ये हुआ कि अब फिर से एक बार इसको देख लीजिए, इस यही कॉन्सेप्ट ही है इसका कि, और ये सारी चीजें जो अरेंजमेंट है उसको तो हम यहाँ बोल देते हैं कि भैया ए बी और डी, ए बी सी डी, ये चार कोई पॉइंट है, हमने जो है ए बी और ए डी और बी सी और सी डी, ये कोई हमने लिया है जो है चार प्रतिरोध लिया है, और इसको इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, चारों को हमने सीरीज में जोड़ दिया गया है और एक चतुर्भुज बना लिया है। चतुर्भुज को बनाने के बाद में उसमें जो है हमने क्या किया है कि एक विकर्ण में, चूंकि चतुर्भुज है तो दो विकर्ण होंगे, तो एक विकर्ण में हमने जो है गैल्विनोमीटर लगा दिया है, दूसरे विकर्ण में हमने एक सेल लगा दिया। ये देखिए सेल मैंने इधर से ऐसे लगाया है, इसको मैंने कुंजी यहाँ पर सेल को, सेल में एक कुंजी के वन लगाया है और गैल्विनोमीटर में भी एक कुंजी के टू लगाया हुआ है। अब इसको हम इस प्रकार करेंगे कि कुंजी के वन को प्रेस करते हैं तो ये धारा इसमें से आई करंट निकलेगी, कुछ भी करंट की वैल्यू हो सकती है, वो करंट इसमें सप्लाई होगी, और सप्लाई होगी लेकिन जैसे पॉइंट बी पर पहुंचेगी, चूंकि दो कनेक्शन है, जैसे इधर से मान लीजिए आप ऐसे, ये एक करंट इधर से, एक ये करंट आ रहा है, ठीक है, इसमें से एक करंट आई आ रहा है, लेकिन आगे आने पर यहाँ जब इस पॉइंट पर पहुंचता है, इसे कहते हैं जंक्शन, तो जंक्शन पर जब करंट पहुंचेगी तो आगे दो ब्रांच है, तो इधर दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी, मतलब इसमें भी करंट कुछ जाएगी, इसमें भी करंट कुछ जाएगी। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है, मतलब बी पर भी इधर करंट जाएगा भुजा ए बी में, और बी सी में भी करंट जाएगा। तो मैंने इसमें कह दिया आई वन, इसमें मैंने कह दिया आई टू।
अब अगर केटू कुंजी प्रेस नहीं है, मतलब उसको मैंने ऐसे खुला ही छोड़ दिया है, खुला छोड़ने का मतलब कि परिपथ कटा हुआ है, परिपथ ज्वाइंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे धारा बहेगी नहीं। बट अगर हम इसको ऐसे जोड़ देते, कुंजी केटू को भी प्रेस कर देते जैसे मैंने केवन को प्रेस किया था, तो इसमें एसी में करंट बिल्कुल फ्लो करती। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये कुंजी प्रेस करने के बाद इसमें करंट नहीं फ्लो होगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें करंट फ्लो होता। लेकिन हमको क्या करना है, इस तरह से इसको, ये जो पी क्यू आर एस हमारे पास चार रेजिस्टेंस हैं, इनको इस तरह से व्यवस्थित करना है कि इस एसी में, बिकर एसी में यानी जो गैल्वेनोमीटर मेरा लगा हुआ है, उसमें केटू कुंजी को दबाने के बावजूद करंट फ्लो ना हो। तो इस व्यवस्था को कहेंगे संतुलित सेतु कहते हैं। और इसी कंडीशन को हम अप्लाई करके हम लोग जो है किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का, अननोन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है और वर्किंग भी यही चीज है, समझो ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये तो सारी चीजें हो गई। अब हम इसमें किरचाफ का सेकंड नियम लगाते हैं। किरचाफ का सेकंड नियम अगर आपको नहीं पता है, दूसरा नियम नहीं पता है, जिसे हम पास का नियम भी कहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको नहीं पता तो आई बटन में आपको अभी नजर आएगा, उसको आप वीडियो देख करके वहां से अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर किरचाफ का नियम लगाते हैं। किरचाफ का नियम लगाने के लिए हम लोग जो है पहले एक लूप सेलेक्ट कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि पहले मेरा ये एक लूप है और ये मेरा एक दूसरा लूप है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन तो दिख रही है आपको ना, ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर हम चल रहे हैं, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं और इधर भी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई, अब यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं। जैसे ये अगर हम यहां पर देखें, जैसे इसमें करंट बाई किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है कि संगत किसी भी मतलब सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, उसमें धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, उसमें जो भी पोटेंशियल मतलब जितने भी सेल लगे हुए हैं, जितनी भी बैटरियां लगी हुई हैं, उन सब के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कहने का यहाँ पर ये हो जाएगा, बीजगणितीय योग क्यों मैंने कहा, इसको मैंने आपको किरचॉफ के नियम में बड़े अच्छे ढंग से मैंने बताया है कि बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन होता है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो किरचॉफ का नियम लगाएं, तो ये हमारा करंट इसमें जो है कितना फ्लो हो रहा है, आई रेजिस्टेंस कितना है पी, तो हम कहेंगे गुणनफल आई वन पी, और फिर इधर इधर आ गए इस सर्किट में, इस सर्किट में तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है, तो अब फिर यहाँ आ गए और ये मेरा एक क्लोज लूप था, ये पूरा एक क्लोज लूप था, तो अब इसमें तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो हमको क्या दिखेगा, करंट तो हमारी इस तरफ चल रही है लेकिन हम चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए करंट हमारी किधर फ्लो हो रही है, इधर फ्लो हो रही है करंट, बट हम चल रहे हैं इधर से, क्योंकि मैं इधर से चला। अब इसको देखो, ये जो मैंने लूप बनाया हुआ है, इसका मतलब मैं इधर से ऐसे चल रहा हूँ, तो जब मैं इधर से यहाँ से इधर चल रहा हूँ, तो इधर यहाँ से क्या हो जाएगी, हमारा करंट हमारी इधर फ्लो हो रही है, हम इधर चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा लेंगे, माइनस आई टू आर, और ये बराबर हो जाएगा, क्या इस लूप में कोई सेल अथवा बैटरी लगी हुई है, इस लूप में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ मत देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कोई लूप, इस लूप में कोई सेल अथवा बैटरी लगी हुई है, तो नहीं लगी हुई, इसलिए बराबर 0, ठीक। यहां से हम कह सकते हैं आई वन पी इक्वल टू आई टू आर, ठीक, ये समीकरण हम फर्स्ट कह देते हैं। दूसरा चीज क्या है हमारा, यहां पर हम देख लेते हैं इस वाले लूप में, तो हम कहेंगे यहां पर कह देते हैं प्रथम लूप में, और फिर यहां पर हम कह देते हैं द्वितीय लूप में, द्वितीय लूप में, द्वितीय लूप में क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखिए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है भैया, आई वन, और रेजिस्टेंस क्या है, संगत प्रतिरोध ही देखेंगे, तो आई वन और ये क्यू, यानी आई वन क्यू बराबर हो जाएगा। अब इधर देखिए फिर उल्टा, हम इधर चल रहे थे, इधर ऐसे ऐसे चल रहे थे, लेकिन ये करंट इधर फ्लो हो रही है, यानी ये क्या हो जाएगा, आई टू एस माइनस आई टू एस बराबर 0, क्या इसमें कोई बैटरी लगी है, नहीं लगी है, तो 0 हो गया। यहां से हम कह सकते हैं आई वन क्यू इक्वल टू आई टू एस, इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को दो से डिवाइड कर देते हैं, समीकरण एक को दो से भाग करने पर, तो जब भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा,
आई वन पी बटे, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से यानी आई वन क्यू, और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड से यानी यहां से हो जाएगा आई टू आर, और इधर क्या हो जाएगा आई टू एस। ठीक है, अब यहां से देखिए आई वन हमारा जो है दोनों में ऊपर नीचे है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब आई वन से आई वन कैंसिल और आई टू से आई टू कैंसिल हो गया। अब हमारा बच क्या रहा है, यानी हमारा बच रहा है पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान यस, और आपको पता है कि यही जो होता है ये कंडीशन है व्हीट स्टोन ब्रिज की, कि अगर हमें पी क्यू भुजाओं का अनुपात पता हो, यहाँ से देखिए कि पी क्यू भुजाओं का अगर हमें अनुपात पता हो और अगर हमें आर भुजा जो कि हमारा ज्ञात प्रतिरोध हो उसका हमें ज्ञात प्रतिरोध का जो है रेजिस्टेंस पता हो तो हम यस यानी अज्ञात प्रतिरोध का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, उसका उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना है। तो ये इसका जो है रूप मतलब जो है कंडीशन है पी पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान यस। अब इसके अगर हम यूजेस की बात कर लें, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग दो जगहों पर करते हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस बक्स में करते हैं, पोस्ट ऑफिस बक्स में करते हैं इसका, और दूसरा जो होता है वो मीटर सेतु में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मीटर सेतु पर होगा और उसको उस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका प्रिंसिपल है क्या है। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं यानी इस क्रांति में अगर आप नए हैं, फिजिक्स सीखने में आप नए हैं, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।